मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हस्बैंड है, वो एक बेटा भी ऑब्वियसली है, और वो किस तरह से हैंडल कर रहा है, जस्ट लाइक अ मैनेजर, बिकॉज वी डिफाइन द मैनेजर दैट मैनेजर इज जस्ट लाइक अ पेडेस्टन ब्रिज के जिसके तरीके जरिए हम दोनों साइड पर आ जा सकते हैं, और फिर उसको नहीं समझ में आता कि वो किस तरह हैंडल करे। माँ बाप की नहीं मानेगा तो जन्नत से जाएगा, बीवी की नहीं मानेगा तो फिर वो घर ख़राब होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है ना कि जी मर्द जो है वो उसको क्या करना है, उसका बैलेंस जो है वो क्या करना है, अपने बीवी में माँ में तवाज़ुन कैसे कायम करना, बिल्कुल कौन सी चीज़ें वाकई उसको माननी है, कौन सी नहीं माननी है, कौन सी जो है जिस पर अमल करना है, कौन सी चीज़ पर अमल नहीं करना है। ठीक, देखें पूरा जो हमारा दीन है वो अतीउल्लाह अतीउ रसूल, अतीउल्लाह अतीउ रसूल की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, रसूल की इताअत, अल्लाह की इताअत। और अल्लाह ये कहता है कि जी अल्लाह के बाद वालदैन के हुकूक, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन फिर मेरा जो दीन है वो वालदैन की इताअत क्यों नहीं कहता? ठीक, वालदैन की फरमाबरदारी कहता है। Okay. इस हद तक कहता है कि अगर आपके वालदैन कलमा हक पे ना हो, दीन पर ना हो, तौहीद पर ना हो, तो भी अपने वालदैन को उफ़ नहीं कह सकते। Agree. लेकिन ये नहीं कहता कि आप उनकी इताअत करेंगे। ठीक, क्योंकि वालदैन बहैसियत इंसान ऐसी कोई गैर शरई बात कह सकते हैं जो कि आपको नहीं माननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वालदा ये कहती है कि जी तुझे अपनी बीवी से बात नहीं करनी चाहिए, तुझे अपनी बीवी पे सख्ती करनी चाहिए, सही, तुझे अपनी बीवी को घर छोड़ के आना चाहिए, ये बात किसी भी सूरत वालदा की नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी सूरत नहीं मानी जा सकती। लेकिन वालदा से बहस नहीं करनी है, वालदा से आर्ग्यू नहीं करना है, आप खामोशी से जो है वो उठ के वहाँ से आ जाए, वालदा की टांगे दबा के जो है वो आ जाए, वालदा ये समझे कि इसने मेरी बात मान ली है, करनी नहीं है आपने, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। आप अगर बीवी के हकूक जो है वो पूरे नहीं करेंगे जो कि उसको शरीयत दे रही है, और वालदा के कहने पे, वालदा तो है ही गुनाहगार क्योंकि उनको ये बात कहनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने तो अमल किया ना, तो आप भी बड़े गुनाहगार हो जाएंगे। तो ये जो बेसिकली जिसको आप जो मैनेजर कह रहे हैं ना, इसको अपग्रेड करना होगा अपने आप को, और इसको समझना होगा अपने आप को कि मेरी जो तरतीब है वो क्या है, उस तरतीब के अंदर उसकी जो बीवी है उसके हकूक ऊपर है। ठीक, शादी के बाद उसके हुकूक ऊपर हैं, वालदा का एहतराम ऊपर है, ओके, वालदैन का एहतराम जो है वो ऊपर है। ये बात तय है कि उसको अपने वालदैन से अलग नहीं होना, क्योंकि वालदा उसके लिए जन्नत है। बिल्कुल, लेकिन जो बीवी है वो उसके जो हुकूक हैं वो सबसे सर फहरिस्त हैं। बिल्कुल, और वो बाज़फ़ा तो हमने ये भी देखा है कि वो बीवी भी आपके बच्चों की माँ है। जी जी, तो अब आप दो माँ की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस बीवी का जो मकाम है वो उससे भी ऊपर हो गया। बिल्कुल, एक वो बीवी की वजह से उसको प्रिविलेज हासिल है। बिल्कुल, और आपके बच्चों की माँ होने की हैसियत से उसको वो भी एक प्रिविलेज हासिल है। बिल्कुल, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आती है जब वो लोग इसको बैलेंस ये नहीं कर पाते कि मुझे कौन सी बात माननी है, कौन सी बात मैंने नहीं माननी है। सुननी पूरी पूरी है, बिल्कुल, यानी आप ये काम करें कि माँ की पूरी पूरी सुने, बहस भी ना करें, आर्ग्यू भी जो है वो ना करें, उनको ये खुशफहमी में रहने दें कि आपने उनकी बात सुन ली है। लेकिन अगर आप उसको अमल ना करें, ठीक, अगर आप गैर शरई बात में कर रहे हो, अगर आप ऐसी भी बात करेंगे तो फिर आप गुनाहगार होंगे और आप परेशान भी होंगे, और ये वाइस वर्सा भी ऐसे ही है। अगर आपकी बीवी आपको ये कहती है कि जी आपको मेरी सास के पास जाने की जरूरत नहीं है, और या बीवी उस अपनी सास से अपने बेटे को दूर कर रही है, तो वो भी गुनाहगार हो रही है। बिल्कुल, तो अगर वो ख्वाहिश का इजहार कर रही है और अगर आप इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप भी गुनाहगार हो जाएंगे। सही, तो बेस्ट मैनेजर का काम ये है कि वो सुने, बिल्कुल, जो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है वो करे, जो चीज़ नहीं करनी है वो ना करे। अच्छा, एक और मैं बताऊँ, इस बीच में अगर आपको कुछ मुबालगा आराई करनी है, कुछ गुलू फरमाना है, तो अच्छाई की कीजिए। ग्रेट यार, आज हम भी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी। अच्छा, आज इसी तरह आपने जो है वो अपनी माँ को कहा कि आज वो कह रही थी यार अच्छा हुआ। ये डॉक्टर साहब की बात काट रही हूँ मैं, ये कहीं झूठ के जुमरे में नहीं है? देखिए, हर वो झूठ जो घर के अंदर हारमोनी लेके आएगा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देगा, उसकी आपको इजाज़त है, क्योंकि ये पीछे नीयत है। नीयत ये है कि बजाय इसके कि ये घर टूट जाए, उससे अच्छा ये है कि ये खुशियों से घर बस जाए उसके अंदर। इसीलिए मैंने आपको कहा ना, गुलू फरमाइए,
यानी गुलू मतलब इजाफा करना, इजाफा है ना, गुलू फरमाइए। तो ये टोटल झूठ नहीं है, उन्होंने एक बात कही आप 10 मल्टीप्लाई करके लगा दें, राइट। इसको हम गुलू कहते हैं कि आप इसको जो है ना मुबालगा अराई करके, गुलू अराई करके। एक अनफॉर्चुनेटली होता है, एक होता अभी भी यही है बात, लेकिन मनफी मनफी होती है बात। उन्होंने इतनी सी की होती है, 10 बन के लग रही होती है ना। तो ये बात ऑपोजिट कर लीजिए, ठीक है, इससे आपकी जिंदगी, तीनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, ठीक।